आपका अपना YouTube चैनल अजीब कुरैशी कोलार। आज कोलार शहर के हुसैनी मकान की मस्जिद में मैं आकर यहाँ के अब 8 जून को जो हुकूमत हिंद के तरफ से मस्जिदें हर इबादतगाह मस्जिदें मंदिरें चर्च दरसगाहें और गुरुद्वारा सब खोलने का हुकूमत हिंद ने जो ऐलान किया है उससे खुशी जाहिर करते हुए मैं देखना चाहता था कि हमारे कोलार शहर के मस्जिदें कैसे नमाजियों के लिए इंतज़ाम करके हैं। तो पहला मैं हुसैनी मकान एमजी रोड में शाबा शाह खलंदर के तहत में जो मस्जिद है वहाँ पर आकर वहाँ के सेक्रेटरी से मुलाकात कैशियर से मुलाकात करके कुछ वहाँ के इंटरव्यू अजीज़ बेग से वहाँ के कुछ ताल्लुक से 8 जून के बाद नमाजियों के लिए कैसे आना जाना का है तो उससे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, तो आप सुन सकते हैं उनके बाद में। वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ बेग, मैं मस्जिद हुसैनी मकान का कैशियर हूँ, JDS जनता दल का डिस्ट्रिक्ट मैनाजिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों, जून 8 तारीख से कर्नाटका में 3 महीनों से मस्जिदें लाख थे, दरगाहें लाख थे, 8 जून से गवर्नमेंट ने मस्जिदें खोलने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिदों में बंदोबस्त कीजिए। अब अपनी मस्जिदों में बंदोबस्त किया हूँ, इसका एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए। फिनाइल है, एसिड है, साबुन है, सैनिटाइजर से हाथ धोने से उसमें अल्कोहल है वो ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, साबुन यूज़ कीजिए और बाथरूम में इसमें सब एसिड भी फिनाइल यूज़ कीजिए, पाउडर यूज़ कीजिए, साबुन से हाथ धो दीजिए और मकान से आने के जब अपना मुँह पोछने के लिए टुवाल और जानी मास लेके आइए। और 10 साल के लड़के, 65 साल 70 साल के बुज़ुर्ग अपने अपने मकान में नमाज पढ़ी दिए, ज़्यादा मस्जिद की तरफ मत आइए। इंशाअल्लाह ये लॉकडाउन होने के बाद आप आते हैं, मैं बंदोबस्त किया हूँ, आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा एक पट्टा डाल दीजिए, ये मीटर छोड़ के आप ऐसा डाल दीजिए और इंशाअल्लाह एक बोरेट डाल दीजिए 3 दिन, जो कोर्ट वाले आएंगे, वॉक बोर्ड वाले आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, हाउसिंग बोर्ड जो भी आएंगे आप उसको बताइए। इंशाअल्लाह बड़े मुश्किल से ये पूरा रमज़ान गुजरा है, क्या 26वीं गुजरी है, इंशाअल्लाह ओपन हो रहा है। आप अपने अपने मस्जिदों में नौजवान क्या आके नमाज़ पढ़ने के लिए 8 तारीख से सबको इजाज़त है, आप दूर दूर खड़ के नमाज़ पढ़िए। क्या सारे कर्नाटका के मुसलमानों को गुजारिश है, मस्जिदों को आपको आकर बाजू बाजू खड़ के पढ़ना, पुलिस तकलीफ ना ऐसा मत कीजिए, तो हिसाब से आप बना लीजिए चंद दिन के लिए। इंशाअल्लाह सब अल्लाह ताला ने ठीक करता है। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कोरोना को भी जल्दी से ठीक होकर, जो भाई लोग अस्पताल में हैं उनको डिस्चार्ज होने के लिए आप ये कीजिए, दुआ कीजिए। मैं पूरे बुजुर्गों से पता लगा के कोलार के शहर बुजुर्गों से कहता हूँ कि ये हिसाब से आप करके चंद दिन मेंटेनेंस कीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मस्जिद हुसैनी मकान के सदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हमें लेती हैं, वो क्या भी नहीं, देयर इज नो ऑब्जेक्शन एट ऑल। जो मुख्तदी आती ना उन्होंने कैसा करना आज चेक कर को छोड़ को ही बोल को यहाँ जी सब बोल को छोड़ को आज सुनको बिठेंगे। अच्छा, क्या बच्चे को नहीं आने देते? अब आने वाले साथ में ना मुख्तदी हजरत थी ना जो साथ में जानी माज भी टुवाल लेके आना बोलो बोले लेगा ना अच्छा। ये देख सकते हैं आप कोलार शाही ईदगाह का खूबसूरत मंज़र।